हाँ, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं। हाँ जी, मतलब दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बाय ए क्रॉस ए। और रिलेशन जो है वो कौन से बेसिस पे बना है कि बी जो है वो ए में अगर हम 3 ऐड करें तो हमें मिलेगा। ठीक है, सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनमें अगर हम 3, मतलब एक एक करके एलिमेंट ऐड करेंगे, 3 ऐड करते जाएंगे तो हमें बी की वैल्यू मिलती जाएगी। कंडीशन बस ये ध्यान रखनी है कि ए कॉमा बी बोथ शुड बिलोंग टू ए, दोनों जो है वो सेट ए में आपके होने चाहिए। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स या क्वांटिटीज अगर उनमें एक रेकोग्नाइजेबल कनेक्शन है, ये कनेक्शन जो है इसका रेकोग्नाइजेबल है। आप इसको कैसे रेकोग्नाइज कर रहे हो कि बी जो है दैट इज ए प्लस थ्री, थ्री मोर देन ए, तो उस टाइम पे हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज अ रिलेशन। देन नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 2 देखो। अब मान लो हमें एक सेट गिवन है ए 1 2 3 4, और रिलेशन जो है वो हमें दे दिया गया कि आर इज आर रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 10। अब इस केस में जो आपका आर सेट है वो कैसा सेट होगा, ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ए माइनस बी इक्वल टू 10, कोई एलिमेंट जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं, नहीं करेगा। इट मींस इस केस में जो हमारा रिलेशन बनेगा दैट विल बी एन एम्प्टी सेट रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी सेट क्योंकि हमारे पास आ रहा है, तो जो इस तरह का हमारे पास रिलेशन आएगा दैट विल बी एन एम्प्टी रिलेशन। तो रिलेशन आर जो है इन सेट ए दैट विल बी एन एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए जो है वो आपकी इसकी कंडीशन, जो भी गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और यू कैन से इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। ए क्रॉस ए का है ये क्योंकि रिलेशन, और इसी तरीके से अगर मान लो जो है हम रिलेशन ले लेते हैं सेम, उसमें आर डैश इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन ए माइनस बी मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सारे एलिमेंट्स हम ले लें वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि उनका जो मॉड है दैट विल बी इधर ग्रेटर देन 0 और दैट विल बी इक्वल टू 0। तो मतलब जो आपका इस केस में रिलेशन बनेगा दैट विल बी अ यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो है आपका ए क्रॉस ए वाला जो सेट है वो एज इट इज आ जाएगा। जो मर्जी हम यहाँ पे एलिमेंट ले लें, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, अगर हम मॉड उसका लेके चलते हैं डिफरेंस का, तो वो वैल्यू या इक्वल टू 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये आपका जो रिलेशन बनेगा इस केस में दैट विल बी अ यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, और जो रिलेशन है दैट इज फ्रॉम सेट ए टू ए, या यू कैन से दैट इज अ रिलेशन इन सेट ए। इन सेट ए का मतलब ए क्रॉस ए उसमें से आपने निकाला है। देन एग्जाम्पल 1 देखिए, हमें गिवन है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। ए सेट जो है वो लिया गया कि बॉयज स्कूल के सभी जो है मतलब उसका सेट बना दिया गया जितने भी हैं। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये बॉयज स्कूल है तो देयर विल बी नो गर्ल्स। अब आगे उसने क्या कहा इसमें, आर जो है दैट इज अ रिलेशन इन ए गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब जो रिलेशन है वो किसमें है, सेट ए में। सेट ए क्या है, दैट इज सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। बॉयज स्कूल में देयर इज नो गर्ल चाइल्ड, तो
अगर हम ये कंडीशन ले रहे हैं ए कॉमा बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, इसका मतलब क्योंकि वो बॉयज स्कूल है वहां पे कोई गर्ल नहीं होगी, तो ये जो रिलेशन है उसमें कोई भी मतलब जो ये गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही फॉर एनी ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि ये जो रिलेशन आएगा हमारे पास दैट विल बी एन एम्प्टी रिलेशन। और इसी में जो है अगर वो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स, height of A minus B is less than 3 meters. अब height जो है वो हम लोगों की 3 meters से less होती है, 300 centimeters से less होती है, maximum 180 तक आप कहते हो कि ले रहे हो, 6 feet ले लो, 6 feet या 7 inch ले लो, that will be less than 3 meter. 3 meters से वो हमेशा less ही होगी आपके। तो इसका मतलब कि अगर हम ये लेके चल रहे हैं कि हाइट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स हम लेके चल रहे हैं तो दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन 3 मीटर्स, 300 सेंटीमीटर से वो डिफरेंस है क्योंकि तो वो लेस होगा। इट मींस जितने भी उसमें आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ए क्रॉस ए वाला जो होल सेट है आपका दैट विल बी दैट विल सेटिस्फाई दिस रिलेशन, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। So this R dash will be a universal set. तो आपने इसको क्या लेके चलना है, यूनिवर्सल सेट लेके चलना है। उसके बाद आपने उसमें भी किया हुआ है कि अगर हम लेके चलते हैं जैसे ये है R is a relation हम लेके चल रहे हैं और A comma B इसका हम एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो दिस इज रिटन एज ए आर बी, यानी कि जो भी हमें गिवन कंडीशन है ऑन द बेसिस ऑफ दैट ए जो है दैट इज रिलेटेड टू बी। अब नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ रिलेशन। प्लस वन में अगर आपको याद हो तो रिलेशन चैप्टर में एक लास्ट क्वेश्चन था आपका जिसमें ये कहा गया था कि ए कॉमा ए जो है बिलोंग्स टू आर, याद है ये क्वेश्चन। इसमें क्या था कि अगर आपको मतलब कहा गया उन्होंने कि इफ ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को और ए जो है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है वो और ए जो है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी विल से क्योंकि ये ए और ए आपस में रिलेटेड है तो इट मींस ये आपका जो रिलेशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन अगर आप अपनी देखते हो मिरर में, अगर आप खड़े होते हो तो मिरर में आपको खुद की रिफ्लेक्शन दिखती है, तो ए जो है अगर ए के साथ लिंक्ड है, ए के साथ एसोसिएटेड है तो हम क्या कहेंगे जो रिलेशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन से इसको याद रख लेना कि रिफ्लेक्शन हमें खुद की ही दिखती है जब हम मिरर में खड़े होते हैं, तो ए के साथ ए को ही आपने लेके चलना है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, फर्स्ट टाइप हो गई। देन सेकेंड टाइप होती है कि रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपको पता है कि जब आप किसी उसके अलोंग लाइन के अलोंग फिगर को फोल्ड कर देते हो और वो ओवरलैप हो जाती हैं, दोनों फिगर्स एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, तो वी से दैट जो भी हमें गिवन है फिगर दैट इज सिमेट्रिक। तो इस केस में क्या होगा कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और रिलेशन हमें गिवन है कि सिमेट्रिक है, तो इट मीन्स क्या होगा कि बी कॉमा ए जो है दैट विल बिलोंग टू। रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, या हम दूसरे वर्ड्स में अगर ये कह सकते हैं कि अगर रिलेशन सिमेट्रिक है और हमें गिवन है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, देन वी कैन से दैट बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देन थर्ड टाइप हमारे पास आती है दैट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दो कंडीशंस हमें गिवन होंगी। इसमें भी इस चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों चीजें आपकी सेम है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज अगर रिलेशन ट्रांजिटिव है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर।
ठीक है, रिलेशन एक ट्रांजिटिव कब होगा, अगर ये दोनों कंडीशंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हमें गिवन है, और ये दोनों कंडीशंस अगर इम्प्लाई करती हैं कि ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, देन वी विल से दैट द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम पहले, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मेरे पास पैरेलल लाइंस का, द लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इसमें अगर मैं एक लाइन लेके चलती हूँ, मान लो ये थ्री लाइंस मैंने ले ली, अब फर्स्ट मुझे शो करना है दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। मैंने एक लाइन ली L1, L1 एक लाइन जो है वो अपने हमेशा पैरेलल होती है, ठीक है, तो L1 जो है ये इरेज कर दो, L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू आर, एक लाइन हमेशा अपने आप के हम पैरेलल लेके चलते हैं, तो L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू आर क्योंकि ये उसको बिलोंग कर रहा है, सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन से याद रखना है इसको आपने। सेकंड, L1 पैरेलल टू L2, ये कंडीशन मुझे गिवन है, ठीक है, रिलेशन क्या है,
will not be. तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होती है, जो यहाँ पे एलिमेंट है ए कॉमा ए सेटिस्फाई होना चाहिए. वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, तो इट मीन्स जो हमारा ये गिवन रिलेशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव. सिमिट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, ए कॉमा बी इम्प्लाइज बी कॉमा ए. ये तो सारे सेम है, इनको छोड़ दो. वन कॉमा टू, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, बट b comma a does not belong to r. ठीक है, सेम वे में 2 comma 3 belong कर रहा है r को, but 3 comma 2 does not belong to r. तो a comma b belong कर रहा है but b comma a belong नहीं कर रहा, it means the given relation is not symmetric. अब थर्ड हमने क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए लेके चलो, b वाली जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए. तो 1, 2 और 2, 3 हमने ले लिया. अब 1, 2 belongs to R, 2, 3 belongs to R, but this does not imply that 1, 3 belongs to R, क्योंकि 1, 3 आपका इस रिलेशन में नहीं है. ठीक है, तो 1, 2 belongs to R, 2, 3 belongs to R does not imply that 1, 3 belongs to R, so this is not transitive. ट्रांजिटिव ही नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, बट क्योंकि 1 1, 2 2, 3 3, ए बिलोंग कर रहा है आर को, सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. ये सेट आपका 1 2 3 है, अदरवाइज 4 4 नहीं बिलोंग कर रहा था तो रिफ्लेक्सिव नहीं होना था. 1 2 3 है ये आपका सेट. चलिए अगले पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 देखो, इसी पे बेस फिर नेक्स्ट आपका इक्विवेलेंस क्लास का टॉपिक आएगा. हाँ जी, अगर बेटे जो ये है, ये कह रही हो ये ले रही है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है उसके लिए, सिमेट्रिक के लिए. चलो इनके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, बाकियों के लिए भी तो होना चाहिए ना. अगर एक के लिए भी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इट मींस वो आपने नहीं लेके चला. कहां रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तीन ही एलिमेंट्स हैं, 1 2 3. 1 के साथ 1 लेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, 2 के साथ 2 लेंगे, 3 के साथ 3 लेंगे, तीनों हैं यहाँ पे. रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन थी, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. अब a की वैल्यू जब मैं 1 पुट करती हूँ, 1 1 बिलोंग कर रहे हैं आर को, a की वैल्यू में 2 पुट करूंगी, 2 2 भी बिलोंग कर रहे हैं, a की वैल्यू में 3 पुट करूंगी तो 3 3 भी बिलोंग कर रहे हैं. इन केस अगर यहाँ 4 होता साथ में तो 4 4 डज नॉट बिलोंग टू दिस, फिर आप कह सकते थे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. किसमें, रिफ्लेक्सिव में बच्चे ये दोनों सेम होने चाहिए. वो 1 2 बिलोंग्स टू आर जो है ये रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. आपको ये देखना है, जो आपको सेट गिवन है ना उसके एलिमेंट्स को लिया, तीन ही एलिमेंट्स हैं, 1 2 3. 1 के साथ जब मैं ए कॉमा ए रिफ्लेक्सिव चेक कर रही हूँ तो 1 के साथ मैं 1 ही ले सकती हूँ, 2 नहीं ले सकती, फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. नहीं तो रिफ्लेक्सिव में ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम होनी चाहिए. और एलिमेंट्स कहाँ से उठाओगे, जो आपका सेट गिवन है उसमें से. ठीक है, अब 1 2 वाली अगर आप बात कर रहे हो, 1 2 जब एलिमेंट्स यहाँ आपके डिफरेंट आ गए, इट मींस यहाँ पे ये डिफरेंट हो गया. ठीक है, अब a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, अब हम रिफ्लेक्सिव को नहीं चेक कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट हो गए, अब वो कंडीशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगी. दिस कैन बी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए भी एक और साथ में चाहिए. ठीक है, अब रिफ्लेक्स सिमेट्रिक के लिए हम चेक कर रहे हैं अगर इसको, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर. सिमेट्रिक क्या कहती है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर, फॉर दिस रिलेशन टू बी सिमेट्रिक 2 1, this should imply that 2 1 belongs to R.
वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर, ये सिमेट्रिक कब होगा? अगर टू कॉमा वन भी बिलोंग करेगा आर को, बट टू कॉमा वन यहाँ पे नहीं गिवन है, इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है. एक भी अगर आ गया इसमें ऐसा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक. थर्ड के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. थर्ड कंडीशन के लिए ये दो चीजें हमें गिवन होती हैं. जब ये दो चीजें हमें गिवन है, तो अगर ये इम्प्लाई कर रहा है, पहली चीज तो यहाँ ये देखनी है ये दोनों आपके जो एलिमेंट्स हैं ये सेम होने चाहिए, इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला. अब यहाँ चेक करो, इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला, ये दोनों एलिमेंट्स सेम है, तो दिस शुड इम्प्लाई ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर वो रिलेशन ट्रांजिटिव है. जो यहाँ है फर्स्ट एलिमेंट, जो यहाँ है लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ क्या है वन, लास्ट एलिमेंट यहाँ क्या है थ्री, तो 1, 3 शुड बिलोंग टू द गिवन रिलेशन. 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अगर ये दोनों कंडीशन इम्प्लाई करें कि 1, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होता है. बट 1, 3 इसमें नहीं है, तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है, एग्जाम्पल 5 देखो, दो तीन और क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 हमें गिवन है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी. और सेट जो रिलेशन आर है दैट इज इन सेट जेड, सेट जेड यू नो दैट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स. अब इसके जो है देखो एलिमेंट्स अगर हम लेके चलते हैं, फर्स्ट कंडीशन हमने चेक करनी है रिफ्लेक्सिव की. ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, जो आप फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हो वही आपको सेकंड एलिमेंट लेना पड़ेगा. ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हम ये चेक कर रहे हैं. इंटीजर्स का सेट है, मान लो मैंने लिया 3. अब रिलेशन क्या कह रहे हैं, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी कि जब मैंने ये रिफ्लेक्सिव के लिए लिया और ए की वैल्यू मान लो मैंने ले ली 3, तो ये रिलेशन क्या बन गया मेरा, आर इज इक्वल टू, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, 3, 3 सच दैट 2 डिवाइड्स 3 माइनस 3. अब ये 3 माइनस 3 इज 0, 2 0 को डिवाइड करता है कि नहीं करता, करता है. सेम वे में अगर मैं यहाँ पे लेट अस सपोज ले लिया मैंने -3, तो ये दोनों एलिमेंट्स हो गए मेरे -3, 2 डिवाइड्स -3 -3 -3 -3 विल बी 0 अगेन, तो 2 डिवाइड्स 0. तो इस केस में जहां आपके दोनों एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, कोई भी नंबर मैं ले लूं इंटीजर में से, उनका डिफरेंस विल बी 0. सेम नंबर को जब आप सेम में से माइनस करते हो यू गेट 0, और 2 जो है वो हमेशा 0 को क्या करता है, डिवाइड करता है. यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जेड आपका जो ये रिलेशन है दैट विल बी सेटिस्फाइड. ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, इट मींस जो गिवन रिलेशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव. क्लियर, अब सेकंड वाला लेके चलते हैं. सेकंड क्या है, सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये इम्प्लाई करेगा बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. कोई भी वैल्यूज ले लो ए और बी की, दैट शुड बिलोंग टू द इंटेग्रल वैल्यू, इंटीजर को बिलोंग करनी चाहिए. मान लो मैंने ए लिया 3, बी लिया मैंने 5, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि 3 - 5 - 2 इज डिविजिबल बाय 2, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी कि 2 डिवाइड्स 3 - 5 - 2 को डिवाइड कर रहे हैं. अब ये क्या करेगा, अगर इम्प्लाई कर रहा है बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा. अब बी कॉमा ए जब मैं यहाँ पे लूंगी, तो इट मींस क्या होगा, यहाँ 2 डिवाइड्स बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या आएगा आपका 5 - 3 यानी कि 2, 2 डिवाइड्स 2,
चाहे आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है चाहे आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है, डिफरेंस विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय टू, क्योंकि वो इंटीजर आपको गिवन है सेट. तो इट मींस कि ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. समझ आ रहा है सक्षम? तो रिलेशन इज सिमेट्रिक. कोई और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, ए की जो मर्जी वैल्यू लो, बी की जो मर्जी वैल्यू लो, उनका डिफरेंस टू से डिविजिबल है. अगर ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू तो डेफिनेटली बी माइनस ए विल ऑल्सो भी डिविजिबल बाय टू. वो बात अलग है कि साइंस दोनों के डिफरेंट हो जाएंगे, बट साइंस डिफरेंट होने पे भी वो डिविजिबल होगा क्योंकि जो रिलेशन है दैट इज अ रिलेशन इन इंटीजर्स. तो इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं. क्लियर है ये? समझ आ गया? अब यहाँ आपने एक चीज ध्यान देनी है. यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 3 और -3 ली, ऑड नंबर था तब भी वो 2 से डिविजिबल था उनका डिफरेंस. यहाँ पे 3 और 5 ली, ये भी ऑड नंबर है, डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 2. यहीं पे अगर मैं मान लो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इवन ले लेती हूँ, लेट अस सपोज ये मैंने 6 ले ली, बी की वैल्यू मैंने 8 ले ली, तो 6 -6 0 डिविजिबल बाय 2, 8 -8 0 डिविजिबल बाय 2. ए कॉमा बी वाली कंडीशन लेते हैं हम, ए माइनस बी यानी कि 6 -8 -2 इज डिविजिबल बाय, ठीक है. अगर इसी को मैं बी माइनस ए लेती हूँ तो 2 इज अगेन डिविजिबल बाय 2. तो यहाँ चाहे आप 18 ले लो, 6 -18 -12 इज डिविजिबल बाय 2, 18 -6 12 इज डिविजिबल बाय 2. जब आप यहाँ पे नंबर्स लेके चल रहे हो इवन, तो वो इवन की फॉर्म में आ रहे हैं. जब आप यहाँ पे नंबर्स ले रहे हो ऑड तो वो ऑड की फॉर्म में आ रहे हैं. इन केस अगर मैं एक नंबर इवन और एक नंबर ऑड ले लेती हूँ, ठीक है, मैंने ए को ले लिया 7, बी को ले लिया मैंने 18, उस टाइम पे जो इनका डिफरेंस है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. गॉट माय पॉइंट? ए माइनस बी या बी माइनस ए अगर मैं यहाँ निकाल लूँ तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे. यानी कि ए और बी की सिर्फ वो वैल्यूज यहाँ रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी, या तो दोनों इवन होंगी या दोनों क्या होंगी, ऑड होंगे. ठीक है, इसी पे बेस्ड नेक्स्ट आपका इक्वलेंस क्लास आएगा. उससे पहले एक ट्रांजिटिव का अब आप मुझे एग्जाम्पल दो. हमने इसको शो करना है दैट द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो. ट्रांजिटिव मींस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो दैट इंप्लाइज ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर. इसी को अभी जनरल वे में भी मैं बताती हूँ, अभी तो मैंने एग्जांपल्स लेके बताया है. जल्दी करो, टाइम कम है. ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मीन्स 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, दिस 2 डिवाइड्स बी माइनस सी. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसको अगर मैं देखूं कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, तो 2 डिवाइड्स ए माइनस सी, इसको मैं रीराइट कर सकती हूँ माइनस बी प्लस बी करके. ठीक है, ये क्या बना ए माइनस बी, ये क्या बना बी माइनस सी. ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2 इफ टू नंबर्स आर इवन. ये क्योंकि 2 से डिविजिबल है मतलब वो दोनों इवन हो गए, तो इवन का आप सम लो या डिफरेंस लो दैट इज अगेन इवन. तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2. क्लियर, आ गया? समझिए, अब यहीं से हम देखेंगे कि देखो जो हमारे ए और बी एलिमेंट्स हैं, अगर मैंने इसको 0 लिया तो इसके साथ या मैं प्लस माइनस 2 ले सकती हूँ, या मैं प्लस माइनस 4 ले सकती हूँ, या मैं प्लस माइनस 6 ले सकती हूँ, एंड सो ऑन. कोई भी इवन नंबर मैं यहाँ पे ले सकती हूँ 0 के साथ. इसी तरीके से लेट अस सपोज मैंने यहाँ 2 लिया, 2 के साथ आई कैन टेक प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, अगेन इवन के साथ इवन ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये 0 मैंने एक बेस ले लिया और इसके साथ ये मेरे सारे इवन नंबर्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं. तो दिस यहाँ से ये देखो नेक्स्ट पेज पे आपको गिवन है, हमने क्या किया, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए जो है ले लिए, जिसमें ई हमने ले लिया कि सारे इवन नंबर्स हैं, ओ हमने ले लिया कि सभी ऑड नंबर्स हैं. अब जो एलिमेंट सेट्स ई एंड ओ है, इवन और ऑड आपस में एसोसिएटेड नहीं है, उनका जो यूनियन आ रहा है दैट इज अ डिसजॉइंट सेट. तो ऐसे केसेस में जो आपका ये
सेट ओ बन रहा है और जो सेट आपका ई बन रहा है दैट इज इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जितने भी आपके इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स बन रहे हैं वो अलग अलग बन रहे हैं. ये कल फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे. एज द टाइम इज ओवर सो आई एम एंडिंग द मीटिंग. बच्चे इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर डाउट. आई हैव गिवन यू द ऑप्शन. ओके फाइन.